कैथल में धान की खरीदना शुरू ना होने से गुस्साए किसानों ने मंडी में सरकार के खिलाफ विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने अनाज मंडी चीका के सभी गेटों को ताला लगा कर मंडी में चल रहे काम को पूरी तरह से ठप कर दिया। यहां तक कि मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया। झूठी सरकार ने जो पहला हरियाणा दे विच बयान आया सी कि 25 तरीक नूं सरकारी मंडी शुरू हो जाएगी, सरकारी बोली शुरू हो जाएगी। 25 तो बाद फिर 1 तरीक दा बयान आया ते अज 1 तरीक नूं ही उन्हां ने रात ही ये लैटर जारी करता कि 11 तरीक तो सरकारी मंडी शुरू होगी, जो कि किसान दी फसल 15 सितंबर तो वढ़नी शुरू हो चुकी सी। मैं ये कहना चाहता हूँ भी ये इतनी झूठी और निकम्मी सरकार है। पहले तो इन्होंने किसानों को कहा भी 25 तरीक से बोली चालू हो जाएगी, फिर उसके बाद 1 तरीक का लारा लगाया इन्होंने भी 1 तरीक को हम बोली चालू कर देंगे। अब इन्होंने क्या किया भी 11 तरीक से बोली चालू होगी, 11 तरीक को तुम्हारा तकरीबन धान सारा खत्म हो जाएगा, फिर हम बोली क्या करेंगे। आज किसान को कम से कम 300 रुपए क्वांटर की मार पड़ रही है। आज का जो धरना मार्केट कमेटी के दफ्तर बंद करके लाया गया है वो अज का धरना है, जो सरकार ने पहला तरीक दी थी 25 MSP की खरीदने की और जो मंडी के खरीद शुरू करनी थी, उसके बाद इन्होंने 1 तरीक, अज 1 तरीक हो गया, अज भी कोई भी मंडी के खरीद MSP दे नहीं हुई, सरकारी खरीद नहीं हुई। मैं सुबह भी मिला था इनसे, दोपहर को भी मिला इनसे, इनको समझाया कि आप लोग जाम खोल दें सड़क से, आवाज़ जमन जो लोगों में परेशानी हो रही है उसमें काफ़ी दिक्कत हो रही है, उसको अपनी आपकी मांग हमने ऊपर तक पहुँचा दी है, आपकी बात तक दी है सीनियर अधिकारीगण से, उनकी भी बात चल रही है, जैसे ही कोई समाधान होगा आपको बता दिया जाए। मंडी में खरीद के रिगार्डिंग ये इन्होंने जाम लगाया है, जो हमने इस रोड जाम है तो चारों तरफ रोड डाइवर्ट करवा रखे हैं, हम पुलिस ड्यूटी लगाई हुई लैंड ऑर्डर के लिए, सिचुएशन पीसफुल है, कोई ऐसी कहीं गड़बड़ी का माहौल नहीं है। बाकी इनसे अपील भी की है, मैं सुबह से 3-4 बार अपील किए, तहसीलदार साहब भी मेरे साथ थे, भाई हम जनता परेशान हो।